खरगोन जिले के तहसील गोगांव स्थित थाना परिसर में मध्य प्रदेश शासन की मंशा अनुसार मध्य प्रदेश में लागू पेशा एक्ट नियम के तहत ग्राम पंचायतों में गठित शांति एवं विवाद निवारण समिति सदस्यों के सम्मेलन थाना परिसर गोगांव में रखा गया। सम्मेलन में थाना गोगांव क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव तथा शांति एवं विवाद निवारण समिति के सदस्य और अन्य ग्राम के वरिष्ठ नागरिक शामिल हुए, जिन्हें उपस्थित अधिकारियों द्वारा पैसा एक्ट के नियमों एवं कार्यवाही के संबंध में जानकारी से अवगत कराया गया तथा मध्य प्रदेश शासन द्वारा पैसा एक्ट की जानकारी के लिए कैलेंडर तथा नियमों के पंपलेटों का वितरण किया गया। आयोजन में गोगांव तहसीलदार रामकृष्ण अहिरवार, पंचायत इंस्पेक्टर उदय पाटीदार एवं थाना क्षेत्र के अंतर्गत आए ग्रामीण अन्य नागरिक उपस्थित थे। गोगांव थाना प्रभारी प्रवीण आर्य द्वारा बताया गया, पैसा एक्ट आयोजन में उच्च अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित थे। गोगांव से इकबाल हकीम की रिपोर्ट। उक्त सम्मेलन में भारी संख्या में सभी सदस्य उपस्थित हुए हैं और सभी पंचायतों से आए हैं। इनको आज प्रशिक्षण सत्र रखा गया था, जिसमें इनके जो अधिकार हैं, इनके जो कर्तव्य हैं, उसकी इन्हें जानकारी दी गई। इसमें जो शांति एवं विवाद निवारण समिति है, उनके द्वारा जो गांव में छोटे मोटे विवाद आते हैं, उनको वहीं दोनों पक्षों को बिठा के और समस्या समझ के उसको निराकरण करने बाबत इनका जो कार्य है वो स्पष्ट कराया गया है और सभी ने उसको सहर्ष इसमें पूरी भागीदारी का वचन दिया है। और ये भी तय हुआ है कि गांव के जो भी त्योहार या अन्य जो जुलूस जलसे इत्यादि परंपरागत तौर पे निकलते हैं, उनको निकलवाने में और पुलिस की कार्रवाई में सहयोग करने का निर्णय हुआ है। इस समिति के सदस्यों द्वारा इस जिले में 50 से अधिक जो विवाद हैं, उनका बड़े बखूबी निराकरण किया गया है और दोनों पक्षों में समझौते कराए हैं, जिससे गरीब जो फरियादी हैं, उनका अनावश्यक कोई पैसे की हानि या जो आने जाने का खर्चा या जो कानूनी प्रक्रिया का पालन करने में जो अनावश्यक खर्चा होता था वो भी बचा है और गाँव में शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग भी मिला है। मनीष छत्री, एडिशनल एसपी खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।